नमस्कार साथियों, साथियों ये कहीं किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की एक विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग दलित हैं, गरीब लोग हैं, उनके मन में ऐसी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या एक मन में एक ऐसी चीज है कि इनको किसी तरह से हटाया जाए। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले लगभग रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी थे उनको हटाने का एक डिसीजन ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन दिल्ली सरकार लग के उस फैसले में गई, कोर्ट में गई और वहां से राहत मिली कोर्ट से। इसी कड़ी में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर दलित माइनॉरिटी इनके खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। पहली तो इनकी कोशिश है कि पूरी दिल्ली को गंदा किया जाए, और आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वो टॉयलेट्स अपने घर में बना सकें। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं सरकार के किए हुए व्यवस्था के ऊपर। सरकार में दिल्ली में दो ही हैं, दिल्ली सरकार और एमसीडी। दिल्ली सरकार ने जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तब से उन्होंने हर झुग्गी के पास में ड्यूसुप को जहां जहां जमीन मिली ड्यूसुप के माध्यम से टॉयलेट्स बनवाए, उसका क्लीनिंग बिल्कुल ठीक रखा। पहले तो कहीं कहीं टॉयलेट्स थे लेकिन इतने बुरे हाल थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने आने के बाद हर टॉयलेट्स को ठीक किया। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के भी टॉयलेट्स हैं। दिल्ली सरकार ने अपना सारा टॉयलेट्स का फ्री में रखा था और इससे दिखा भी कि लोगों ने वो टॉयलेट्स इस्तेमाल करना शुरू किया और दिल्ली में आज ओपन में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। नेताओं ने जैसा कि उनका एक गरीब विरोधी, एक दलित विरोधी जो चरित्र है, उस चरित्र को दर्शाते हुए उन्होंने एक फैसला लिया और उन्होंने ये कहा कि एमसीडी के जितने भी टॉयलेट्स हैं उन टॉयलेट्स के इस्तेमाल करने पर अब 5 रुपए देने पड़ेंगे। सुनने में हो सकता है किसी अमीर आदमी को लगे कि ये 5 रुपए तो क्या ही होते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वाले से पूछिए जिसके घर में 5 से 6 लोग रहते हों और जिनको महीने का पूरा एक खर्चा उस हिसाब से चलना, एक एक्स्ट्रा बर्डन, जिसकी महीने की तनख्वाह ही 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये हो और उसको टॉयलेट्स के यूज के लिए अगर एक बहुत बड़ा पैसा एमसीडी को देना पड़े तो दो ही तरीका है, या तो वो बेचारा रहना छोड़ देगा दिल्ली के अंदर या तो वो इनका टॉयलेट्स यूज करना बंद कर देगा। टॉयलेट्स यूज करना बंद करेंगे तो दिल्ली में फिर से ओपन डिफिकेशन बढ़ेगी, इसी तरह से साथ में पोल्यूशन का मामला बढ़ेगा, हाइजीन की दिक्कत आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक सोची समझी साजिश है ये। पहले तो एमसीडी को लूटो, फिर पैसा जब खत्म हो जाए तो पैसा इकट्ठा करने के बहाने से इस तरह की अमानवीय नीतियां बनाना शुरू कर दो। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपने भी देखा होगा कि एमसीडी के टॉयलेट्स के कितने बुरे हाल है। कुछ हम आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे जो कि डिप्टी चेयरमैन है एमसीडी की भारतीय जनता पार्टी की तुलसी जोशी जी, उनके वार्ड के एमसीडी के टॉयलेट्स हैं। मीनाक्षी लेखी जी ने इसको 2017 में, अभी 2020 में इसको उद्घाटन किया अक्टूबर में। आप देखिए इसके हालात देखिए।
ये इनके एमसीडी के टॉयलेट्स हैं, और ये ऐसा भी नहीं कि पुरानी फोटो है, अक्टूबर 2020 का उद्घाटन है, और मुश्किल से अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ अगर देखा जाए तो। और रख रखाव एक तो बहुत बुरा, इसमें कौन जाएगा, और ऊपर से कह रहे हैं कि हम 5 रुपए भी लेंगे हर आदमी से। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की असंवेदनशील, अमानवीय कदम आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। अगर आप एक शहर चलाना चाहते हो, सरकार का ये धर्म बनता है कि वो गरीबों के साथ खड़ी हो, सरकार का ये धर्म बनता है कि वो गरीबों के लिए सहूलतें पैदा करे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि गरीबों को ख़त्म करो, और उसी मिशन के तहत इन्होंने ये अमानवीय, दकियानूसी और एक तानाशाही फैसला लागू किया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग करती है कि इस बढ़े हुए प्रस्ताव को आप तुरंत वापस लो, इससे आपका रेवेन्यू का कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।